नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सादुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 24/31 सपरा क्वार्टर निवासी अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर किया घायल। कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी जिला चिकित्सालय पहुंचे, वही गौरव ओचानी की हालत गंभीर। 12 घंटे के अंदर अपराधियों ने दिया दूसरी वारदात को अंजाम। कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी ने बताया कि पंकज ओचानी, गौरव ओचानी एवं पवन ओचानी पर चाकू से हमला करने के आरोप में सोनू साहू, सोनू यादव व आरजू खान, प्रतीक सिंह व सद्दाम खान के खिलाफ धारा 307, 294, 330 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पेश है शहडोल से अमिताभ शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मैं वो सेना दफ्तर का प्रोग्राम देख के अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था, और इस बीच में एक महिला के साथ ही 5 लोग खड़े थे मेरे घर के बगल में। उन्होंने यहाँ कैसे खड़े हो, तो मेरे साथ गाली गलौज किया और मेरे को चाकू से मेरे ऊपर हमला कर दिया। किसने किया हमला? अब यादव ने, अप्पू यादव, सोनू यादव और सोनू साहू, प्रतीक सिंह, आरजू खान। कितने चाकू मारे? मेरे को 5-6 चाकू लगे। हम लोग शहनाज अख्तर के घर से आ रहे थे, घर पहुंचे तो वहां पे भैया खड़े थे। भैया को चोट करोगे कि क्या बोलते हैं? हाँ, भैया खड़े थे, कुछ लोग भैया खड़े थे, 5-6 लोग। मैं बीच बचाव में गया, उधर चाकूबाजी चालू कर दी है। किसने मारा? सोनू साहू, प्रतीक सिंह बघेल। सोनू यादव, आरजू खान और बगल में सद्दाम, वो खड़ा था। उससे मिलने आए थे सद्दाम से मिलने आए थे। किस बात को लेकर मारने लग गए? वहाँ पे एक लेडीज खड़ी थी, भैया गए थे पूछने कि क्या हो गया यहाँ पे, और 5-6 लोग खड़े, तो इतना पूछने पे उन्होंने गाली गलौज की और इसी बात पे हमला किया। मैं शहडोल में नहीं था। हाँ, मुझे अनूपपुर में फोन आई कि मेरे बच्चों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। आरजू खान, सोनू यादव, सोनू साहू और प्रतीक सिंह बघेल, ये तीनों बच्चों के ऊपर 4-4, 5-5 चाकू मारे हैं। किस बात को लेकर? कोई विवाद नहीं, बगल में किसी से कुछ इनका विवाद हो रहा था, तो बेटे ने बोला क्या हो गया भाई, क्यों मार रहे हो उसको, उसी बात पे इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसी ने बीच बचाव नहीं किया जब इन लोगों को चाकू मार दिया? पवन के ऊपर पहले हमला हुआ, 4-5 चाकू मारे गए, उसके बाद मेरा बेटा दौड़ा, उसको 4-5 चाकू मारे गए, इसके बाद मेरा भतीजा दौड़ा, उसको 3-4 चाकू मारे गए। आपका नाम? प्रकाश ओचानी, शहडोल। जिनको चाकू लगे उनके क्या है? एक का पापा हूँ, 2 का चाचा हूँ। चपरा क्वार्टर के पास चाकूबाजी हुई है। कल रात में एक घटना घटित हुई है जिसमें पंकज ओनवानी, उसके भाई पवन एवं गौरव को कुछ लोगों ने, अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला किया था, जो इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती है। रात में वो रिपोर्ट लिखाने की स्थिति में नहीं थे, जिस पर आज सुबह उनकी रिपोर्ट पर 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 294, 323, 334 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जी सभी तथ्यों पर इसमें विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी प्रयास जारी है। जल्द गिरफ्तार होंगे? जल्द गिरफ्तार होने की कोशिश है।